हम लोग सोनमर्ग से जैसे ही आगे बढ़े जोजिला पास को पार करने के लिए, तो बालटाल के जस्ट पहले एक लंबी ट्रैफिक जाम की स्थिति नज़र आई। सारी गाड़ियाँ एक साइड से खड़ी हुई थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आगे जाकर पता लगा कि कुछ लैंडस्लाइड हुई है, और उस लैंडस्लाइड को क्लियर करने के लिए कुछ ब्लास्टिंग भी किया गया है, और ब्लास्टिंग करने के बाद में जो डेब्रिस निकली हुई है उसी को साफ करने का काम किया जा रहा है। और आगे बढ़े तो सामने का नज़ारा साफ था, जहाँ से लैंडस्लाइड हुई थी। सारे के सारे बाइकर्स वेट कर रहे थे इसको क्लियर करने के लिए, और इन सबसे आगे डोजर चल रहा था जो कि डेब्रिस को साफ कर रहा था। सभी यहाँ पर करीब आधे से 1.5 घंटे हम लोगों ने वेट किया डेब्रिस साफ करने का, और उसके बाद में आर्मी जवानों ने हम लोग को आगे बढ़ने का इशारा किया और तो आगे बढ़ना चाहिए। जेसीबी रास्ता क्लियर करने में लगी हुई थी, और जल्दी ही इसने हम लोग को इशारा किया कि अब रास्ता क्लियर हो गया, धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद सारी बाइकें स्टार्ट हुई और हम चल निकले। काफ़ी देर रास्ता जाम होने की वजह से दोनों तरफ से ट्रैफिक की लंबी लाइन थी, ट्रक की लाइन लगी थी दोनों तरफ। धीरे धीरे रास्ता क्लियर हुआ और हम धीरे धीरे बढ़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो हमने देखा कि जो सड़क है वो धीरे धीरे पतली सड़क का रुख अख्तियार कर ले रही थी। बीच बीच में जहाँ पर वाटर क्रॉसिंग थी, जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई थी, उसकी वजह से सड़क का नामो निशान ख़त्म सा हो गया था। केवल डेब्रिस और बड़े बड़े बोल्डर्स या पेबल्स नज़र आ रहे थे। बहुत स्पीड भाग है, स्लोप डेब्रिस वाली हुई है जो बता रही थी। हर थोड़ी देर पे यहाँ पर स्टोन फॉलिंग होती रहती है। नीचे से हम लोग को यही नज़र आ रहा था और हम वहीं से गुजर रहे हैं अभी। रिस्की रास्ता, बहुत सोच समझ के चलाने की आवश्यकता है। अगर बगैर गांव देखने की ना जरूरत है ना ही हिम्मत, चुपचाप सड़क पर देखते चलिए, अपनी साइड पर बने रहिए।
रॉक फॉलिंग जोन, ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, धीरे धीरे चलते रहें। खतरनाक रास्ता, यश आगे आगे संजीदगी से बढ़ते हुए पूरी सुरक्षा की मानकों को लेते हुए, सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए बाइकर का कुछ सामान लगता गिर गया, इन्होंने बंजी कॉर्ड से ढंग से इसको सिक्योर नहीं किया होगा। खतरनाक रास्ता, जल्दी से ये पार हो तो निकला जाए। सड़क पे ये चलता हुआ पानी इसको और डैमेज करता है।